आप देख रहे हैं एंड्रॉयड टेक हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूं दोस्तों, जहां से आप मतलब बहुत ही ज़्यादा एट्रैक्टिव फोटो बना सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि इस बार 15 अगस्त को ही रक्षाबंधन का त्यौहार है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ऐसी एक ऐप के बारे में बताऊंगा जिससे कि आप रक्षाबंधन को विश कर सकते हैं और साथ में आपकी फ़ोटो रहेगी। तो चलिए बताते हैं एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। चलिए हम प्ले स्टोर को ओपन करते हैं। आपको भी इसी तरह से दोस्तों प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। जैसे आप प्ले स्टोर को ओपन करोगे, आपको यहाँ पर सर्च टाइप में लिखना है रक्षाबंधन फोटो फ्रेम। तो चलिए हम ये लिख देते हैं। तो उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसे लोडिंग होगी। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ये जो फर्स्ट में एप्लीकेशन दिख जाएगी रक्षाबंधन फोटो फ्रेम, ये इंस्टॉल कर लेना है। ये दोस्तों सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है, ठीक है। आप इसे प्ले स्टोर से इस तरह से डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद ओपन करके आपको ये रही वो एप्लीकेशन बताते हैं कि आपको आपको एट्रैक्टिव सा फ़ोटो कैसे बनाना है और कैसे आप बहुत ही ज़्यादा अलग और यूनिक से तरीके से आप मतलब 15 अगस्त रक्षाबंधन को विश कर सकते हो। ये रहा एप्लीकेशन दोस्तों जिसको मैं घुमा रहा हूँ। चलिए ओपन करते हैं और आपको बताते हैं कि आपको यहाँ पर एट्रैक्टिव फ़ोटो कैसे बनाना है। के सामने दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक फ्रेम्स का ऊपर की ओर ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों, जिसको मैं हरे रंग से हाईलाइट कर रहा हूँ। इस पर आपको क्लिक करना है। चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको ये जो तीर का निशान दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है और आपको दो तीर के निशान दोनों साइड दिख जाएंगे, ठीक है। आपको यहाँ पर इस पर देखिए ये दोस्तों, जैसे ही मैं तीर के निशान पर क्लिक करता हूँ ये फ़ोटो फ्रेम चेंज हो रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक फ़ोटो फ्रेम ले लेता हूँ। तो जैसे मैं ये फ़ोटो फ्रेम ले लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर आपको ऊपर की ओर एक डन का ऑप्शन दिख रहा हुआ, इस पर आपको क्लिक करना है। चलिए हम डन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको ये जो गैलरी का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, आपको यहाँ पर ये जो गैलरी का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। आपको यहाँ पर गैलरी पे क्लिक करना है। चलिए हम गैलरी पे क्लिक करते हैं और आप यहाँ पर एक अपनी फ़ोटो ले लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसा कि ये रही मेरी एक फ़ोटो पड़ी हुई है जो मैंने अपने फ़ोन से खींची थी। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूं। तो आपको भी यहां पर एक गैलरी से फ़ोटो ले लेनी है। जैसे दोस्तों मैं यहां पर इस पर क्लिक, तो दोस्तों हमने ये फ़ोटो ले ली। दोस्तों वो फ़ोटो थोड़ी सेट नहीं बैठ रही थी, जो मेरे को अच्छी नहीं लगी फोटो वो वाली। तो मैं यहाँ पर ये फ़ोटो ले ली है मैंने, इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दोस्तों यहाँ पर सेट करूँगा ताकि ये फ़ोटो दिखने में अच्छी लगे। तो चलिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ दोस्तों, थोड़ी फ़ोटो अच्छे से सेट नहीं होगी तो भी चलेगा, ताकि आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे की ओर काफ़ी सारे फ्रेम देखने को मिल जाएंगे। चलिए मैं इस फ्रेम पर क्लिक करूँगा, ऐसी दिखेगी फ़ोटो, ऐसी दिखेगी, ऐसी दिखेगी, ऐसी दिखेगी, स्टार में दिख सकती है ये फ़ोटो। तो चलिए मैं यहाँ पर ये सिंपल सा एक फ्रेम रख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर फ़ोटो को थोड़ा सा कम कर देता हूँ, जूम आउट। उसके बाद यहाँ पर आपको शेप्स का ऑप्शन मिल जाएगा, आप जो भी शेप रखनी चाहें वो शेप भी रख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर यही वाला रहने देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर फ़िल्टर्स का ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ से फ़िल्टर भी चूज करना चाहो चूज कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पर ये फ़िल्टर चूज करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको ऊपर की ओर एक डन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर डन का ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं डन के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, मैं इसको दोनों उंगली से चूज करके यहाँ पर इसको ऊपर की ओर या नीचे की ओर सेट कर देता हूँ। जैसे कि मैं ऊपर की ओर सेट करूँगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करके आप यहाँ पर हैप्पी रक्षाबंधन कुछ भी लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको जे लिख के दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जे आ गई है। तो यहाँ पर आप हैप्पी रक्षाबंधन या फ्रॉम मन्नू या जो भी आपका नाम है लिख सकते हो, तो आप इसे लिख सकते हो। उसके बाद दोस्तों आप इमोजी वगैरह भी लगाना चाहो लगा सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए क्या करता हूँ, ऊपर जो नीचे की ओर सेव का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि प्लीज़ वेट यूअर कनेक्शन इज सेव। तो चलिए मैं चलता हूँ गैलरी में, आपको दिखाता हूँ कि सेव हुई है जब फोटो नहीं। दोस्तों चलिए मैं यहाँ पर रीसेंट टैब पे क्लिक करता हूँ गैलरी में जाके। दोस्तों आप देख सकते हैं ये रही फ़ोटो हमारी और साथ में हमारी फ़ोटो लगी हुई है और रक्षाबंधन है। और मैं चाहूँ तो यहाँ पर व्हाट्सएप के थ्रू किसी को सेंड भी कर सकता हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो चलता के लिए आपका ध्यान रखिए।